हेलो फ्रेंड, मैं दीपक उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टेक्निकल एनालिसिस ऑफ स्टॉक्स। तो फ्रेंड, आज हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड शेयर का टेक्निकल एनालिसिस। तो फ्रेंड, आज देख सकते हैं आज के दिन स्टॉक के अंदर आपको लगभग 6% से ज्यादा की यहाँ पर तेजी देखने को मिलती है। स्टॉक क्लोजिंग देता है 70 रुपए के ऊपर 72.15 पे। यहाँ पर हम बात करें क्या हमें फ्रेश एंट्री लेना चाहिए, तो फ्रेंड यहाँ पर मैं आपको कहूंगा अभी आपको यहाँ पर कोई भी फ्रेश एंट्री नहीं लेना है। यहाँ पर आप देखिए बैक टू बैक स्टॉक गिरा था, आज के दिन जो तेजी आई वो यहाँ पर हमने देखा लास्ट मोमेंट पे मार्केट पूरा पॉजिटिव हुआ। निफ्टी 50 में यहाँ पर तेजी दिखाई दी, सेंसेक्स हमें पॉजिटिव दिखाई दिया, उसी का इंपैक्ट यहाँ पर सभी स्टॉक्स पे दिखा और अचानक से यहाँ पर स्टॉक में 6% की हमें तेजी भी देखने को मिली। लेकिन मैं आपको यहाँ पर पर्सनली कहना चाहूंगा अभी फिलहाल आपको इस तेजी को देख करके बाइंग नहीं करना है। उसका कारण आप यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर आपके सामने जो चार्ट प्रेजेंट किया गया है यही डे कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट, यहाँ पर एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट करते हुए आपको शो कर रही है। अब आप देखिएगा नीचे की तरफ 55 रुपए के नीचे अब तक स्टॉक था, जैसे ही 55 को ब्रेकआउट किया स्टॉक ऊपर कहां तक जाता था आप देखेंगे लगभग लगभग 82 रुपीज तक के लेवल हमने यहां पर देखे और एक बार फिर गिरावट हुई। स्टॉक यहां पर 60 रुपए के नीचे आता हुआ हमें दिखाई दिया, फिर से स्टॉक तेजी से ऊपर गया और 80 रुपए पे जाने के बाद फिर से स्टॉक गिरता हुआ हमें दिखाई देता है और 55 रुपए पे एग्जिट यहां पर फिर से सपोर्ट जनरेट होता है। यहां पर आप क्या देख रहे हैं, यहां पर सपोर्ट जनरेट हो रहा है 60 रुपए के नीचे और यहां पर फिर से 55 रुपए पे सपोर्ट, यहां से स्टॉक के अंदर आपको तेजी दिखाई देती है और यह तेजी एक बार फिर स्टॉक को ऊपर की तरफ लेकर के जाती है। यहां पर हम देखते हैं फिर से स्टॉक लगभग लगभग 80 रुपए के आसपास यहां पर हमें जाता हुआ दिखाई दिया था और इसके बाद यहां पर फिर से हमें गिरावट भी दिखी। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं जो ग्रीन कलर की लाइन है यह 50 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के, इस लाइन के अराउंड आने के बाद स्टॉक में आपको तेजी दिखाई दी। आज के दिन स्टॉक बुलिश था स्टार्टिंग से, लेकिन यहां पर एंड एंड में जो तेजी आई है उस तेजी के भरोसे हम यहां पर एंट्री बिल्कुल भी नहीं करेंगे। यहां पर मैं आपको बता दूं आज के दिन स्टॉक जो भागे हैं उसका कारण मार्केट का सपोर्ट इसको मिला है, मार्केट के सेंटिमेंट यहां पर थोड़े से पॉजिटिव दिखाई दिए और स्टॉक ऊपर की तरफ गया। यदि आप यहां पर बाइंग कर भी लेते तो क्या टारगेट यहां से आप रखेंगे ऊपर की तरफ, आप देखिए रेजिस्टेंस है सपोर्ट, आपने यहां पर बाइंग कर लिया, ये देखिए यहां पर आपने बाइंग करा ऊपर की तरफ कहां पर टारगेट है 80 रुपए 75 रुपए के आसपास तो आपका टारगेट निकल करके आ रहा है। तो इतने छोटे से टारगेट लेकर हम बाइंग करेंगे तो स्टॉप लॉस यहां पर बहुत बड़ा है नीचे की तरफ, इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा अभी यहां पर वेट कीजिए। या तो स्टॉक ब्रेकआउट करेगा 80 रुपए के ऊपर तब बाइंग होगी, या फिर स्टॉक नीचे की तरफ गिर करके आता है और सपोर्ट करता है कहां पर 55 रुपए के आसपास, यहां पर अगर कोई रिवर्सल दिखता है यहां पर बाइंग करेंगे। नीचे की तरफ मात्र 5 पॉइंट की रिस्क रहेगी, 50 रुपए का यहां पर रहेगा स्टॉप लॉस, ऊपर की तरफ जो टारगेट है वो लगभग लगभग आपको 80 रुपए दिखाई देगा। यहां पर आपकी सेफेस्ट बाइंग होगी जिसमें छोटा स्टॉप लॉस और बड़ा टारगेट आपको यहां पर देखने को मिलेगा। अभी आपको यहां पर कोई भी बाइंग नहीं करना है, यहां पर मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आपको नेशनल फर्टिलाइजर में डिसीजन लेना है। तो फ्रेंड ये था हमारा टेक्निकल व्यू नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड शेयर को लेकर के। इसी तरह के और भी वीडियो पाने के लिए चैनल को अभी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।